बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग, और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम। और बिल्कुल 10:30 थर्सडे की शाम, इसी दिन की इसी शाम के वक्त हम और आप मिलते हैं, यानी ये हमारी मुलाकात का वक्त होता है हमेशा। शो टीम ऑफ टू में, यानी कि चाय पे बातें होने जा रही हैं लाइव ऑन फेसबुक, और 1 घंटे की का हमारा ये सफ़र आपके साथ बहुत मज़ेदार, दिलचस्प, खूबसूरत आपके लिए लेकर आते हैं। हम यानी आपके होस्ट, आपके दोस्त, आपसे प्यार करने वाले और आपको चाहने वाले शो टीम ऑफ टू के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी, और अहमद जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपके खिदमत में हाजिर। तो हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जी आइए, देखते हैं आज चाय पे क्या क्या बातें होनी है आपके साथ। हमारा जो हम इस वक्त स्टूडियो से आपको ये शो पेश कर रहे हैं, ये कनाडा ऑन्टेरियो के शहर ब्रैम्पटन से, इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पर 23 डिग्री और क्लाउडी है, और लेकिन क्या है कि एयर कंडीशन तो चल रहा है, क्योंकि हम लोग इतने जल्दी आदी नहीं होते गर्मी के मौसम को। तो जनाब, 23 डिग्री के साथ एयर कंडीशन इज़ ऑन हियर इन स्टूडियो, और हवा भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि सिर्फ 11 किलोमीटर इस वक्त, जिस वक्त मैंने स्क्रीन पे देखा है, 11 किलोमीटर साउथ वेस्ट। नॉट बैड, बहुत अच्छा, खुशगवार मौसम आज सारा दिन रहा, और देखते हैं कि क्या क्या और होना है। और नाइट जो है वो ऑफ कोर्स थोड़ी ठंडी हो ही जाती है, लेकिन कल का भी एक अच्छा दिन होगा आपके लिए। चले हम अभी आज की बात करते हैं, बहुत कुछ लाए हैं आपके लिए, बहुत सारी ढेरों बातें चाय पर, और हमारी चाय भी हाजिर है यहाँ, और पीते जाएंगे और बातें करते जाएंगे। तो जी अहमद, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग फॉर माय ओवरसीज लिसनर्स। जनाब पाकिस्तान से जनाब सिद्दीकी साहब जो जर्नलिस्ट है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया और ऑलरेडी इंसा बीबी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो जनाब माशाल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग? हमारी जानिब से आप लोगों की खिदमत में वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब बड़ी अच्छी दिन, बड़ा अच्छा दिन, बड़ी अच्छी रात, बड़ी अच्छी शाम, सब कुछ अच्छे अच्छा चल रहा है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वेदर वाइज। तो कुछ चीज़ों को हम आपसे आपसे मतलब बातें भी करेंगे जो हो जाती हैं, होनी होती हैं लेकिन हो जाती हैं। और इस समर के महीने में कुछ ख्याल रखने हैं आप लोगों को, उनके बारे में भी बात होगी इंशाल्लाह। और मेरी जानिब से आपको रियल इस्टेट हाइलाइट्स में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। और शाला की जानिब से देखते हैं क्या क्या आज इम्तहान हो रहे हैं वो तो बात की बात है, चल ही चलता रहेगा और बातों से बातें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों की शमूलियत, आप लोगों के जनाब टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, थैंक यू सो वेरी मच हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का। हमें हमेशा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी देखिए और इस तरह से हम साथ जुड़े रहेंगे। द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू आवर स्टूडियो, यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, टी टॉक, टी टॉक जनाब। और हमारे पास भी चाय और आपके पास भी चाय यकीनन होगी, सुबह की चाय ओवरसीज, शाम की चाय हमारा आप साथ साथ। तो इंशाल्लाह बातें होती हैं, तो देखिए क्या कहती हैं शाला जी। ओके, गो फॉर इट। क्या कहती हैं शैला जी, बहुत कुछ मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, और इतनी जल्दी टाइम ख़त्म हो जाता है मेरे लिए प्रोग्राम का, कि मुझे लगता है कि मैंने अभी तो शुरू किया था और अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि आप लोगों के साथ चाय पे बातें करने में बहुत मज़ा आता है, और आज भी इतना ही मज़ा आएगा जितना हमेशा हम इंजॉय करते हैं आपका साथ और आपसे बातें और फिर आपके साथ चाय। जी और जनाब शाला जी हमारे दोस्त हैं मोहतरम जी जनाब डॉक्टर मज़हर ए मोगा साहब आ चुके हैं और सलाम अर्ज़ कर रहे हैं दोस्तों को। तो हमारी तरफ वालेकुम से भी दोस्तों अस्सलाम, को जी कह रहे सलाम। हैं। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक?
तो चाय पीजिए। जी अच्छा अहमद, आप हमेशा ये कहते हैं कि देखें शहला जी क्या लाई है, तो जी बिल्कुल। आज मैं देखती हूँ कि आप सोचें कि मैं क्या लाई होंगी। ये एक्चुअली कॉल हमें लेनी चाहिए, एक सेकंड ठहर जाए, मैं देखती हूँ मैं कैसे ले सकती हाँ हूँ। हाँ तो इस वक्त हम मौजूद हैं शो टीम ऑफ टू के सेगमेंट में, और टी टॉक पे हमारी बातें हो रही हैं लाइव ऑन फेसबुक, और बस जबरदस्त प्रोग्राम आपके साथ। और जनाब कहूंगी कि क्या क्या लाई हूं मैं। तो मैं लाने से लाई पहले मैं बता दूं कि इंसा बीबी कह रही है सलाम टीम ऑफ टू एवरग्रीन ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू, वी आर हियर, सी वी आर हियर, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फाइन। फाइन एंड यू कैन और सी शाला जी, शी इज और डूइंग जब हम वेरी गुड आपके पास आ माशाल्लाह। जाते हैं तो हम अच्छे ही हो जाते हैं, कुछ भी फील कर रहे हो, यहाँ बैठ के स्टूडियो में चाय के कप के साथ आपका सामना और हम फिट। अच्छा क्या क्या बातें लाई हूँ मैं, अब देखें थोड़ा सा मैं बता दूँ कि क्या लाई हूँ मैं। हम बात करेंगे डम, ओके, ठीक है, फिर शिन शिन जिंग जिंग। ओह या, डन 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 डन। नहीं मजा आएगा, ये शिन शिन एंड ओके जिंग जिंग क्या ओके है, ओके ठीक है, मजा आएगा आपको। और हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, ओके। अब 751 नंबर पे बात करेंगे, और स्टेप टू कहाँ नहीं होगा। अच्छा फिर मोर देन 150, इस पे भी बात होगी। जेल टू यानी कि क्या जेल, कहाँ जेल, क्यों जेल, है ना। उसके बाद 18 नंबर मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वक्त आप लोगों को हमारे साथ रहना पड़ेगा कि ये 18 पे क्या बात होने जा रही है। एंड इट्स वेरी यूजफुल एंड यू हैव टू स्टे विद अस टू नो। 1 पाउंड एक वेट होता है ना, और एक खबर सुनाना चाहता हूं मैं। फोर अच्छा देखें चलिए खबर बोलिए। सही होने नहीं है, नहीं बोले बोले वो आप। 4.37 आउंस, ओ दो डिफरेंट वेट हैं अच्छा, हमारे पास, एक 1 पाउंड और एक और एक 4.37, 7 पाउंड। बट सेम कैटेगरी के वेट हैं। हाँ ओके चलिए देखते। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें से भी अगर कुछ रह जाएगा, क्योंकि हम कभी कभी बीच में कॉल्स आ जाती हैं, कभी कभी डिस्कशन बढ़ जाता है, हाँ तो बाकी चीज हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको कवरेज करेंगे अपने सैटरडे मॉर्निंग 11 AM गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आपसे। हम रेस्ट ऑफ द थिंग अगर कुछ बचेगा, वैसे वहां के लिए अलग तैयारी होगी, अलग बातें होंगी, अलग चाय होगी, और आप और हम वही होंगे। सही कह रही भाई हूँ? जी बिल्कुल ठीक ठाक। और आपने वेट की बात की तो मैं तो आई डू लिफ्ट वेट, आई मीन मैं वर्कआउट वन वगैरह करता हूँ, पाउंड लेकिन मेरे वेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये 1.2 पॉइंट की क्या बात कर रही हैं आप? 1 पाउंड वेट है और 4.37 आउंस है। स्पेसिफिकली जी ओके। एनीवे तो बताएंगे आपको। चलिए, हाँ इंसा बीवी कह रही हैं कि आपने तो चाय का कप पकड़ा हुआ है, जी लेकिन उनके सर पर जो है वो आइस पैक रखा हुआ है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह मियाँ हाँ आपको सेहत दे, आपके सर के दर्द को जल्दी से आराम पहुंचाए, भाई, क्या आमीन बात सुम्मा है, आमीन। क्या बात है इंसान, अच्छा आपको नजर लग जाती मैंने है एक बात हर। सुनी थी कि अगर आइस, अगर आपको माइग्रेन है तो आइस बहुत सी डाल के इसलिए और उसमें रखा होगा दोनों ना हाथों उन्होंने। को उसमें डाल ओ दें, अच्छा और इसी तरह से लौंग की चाय अगर पिए तो कहते हैं सर का दर्द चला जाता है। बहरहाल ये एक चुटका है और एक रेमेडी है, देख लें अगर आप, वरना अपने डॉक्टर से तो ज़रूर कंसल्ट करें और अपना हाँ, इलाज कराएं और प्रॉपरली, इंशाल्लाह अच्छा और हो आप ठीक हो जाएगा। जाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं लेमन यहाँ पर टेंपल पे आप रगड़ें, और लेकिन पता है क्या, मैं तो ये कहती हूँ मेरे लिए सबसे अच्छी, कह लेंगे मैंने आपको कभी अच्छी खबर नहीं सुनाई। नहीं नहीं नहीं, आप खुद ही आपका बहुत आना अच्छी हमारे हैं। लिए अच्छी खबर है, और ये चीजें तो चलती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सफरिंग इज सफरिंग, दर्द इज दर्द, लेकिन मैं ऐसी हूं कि मैं क्या करती हूँ कि बस टालनॉल लिया या एडविल लिया और सुकून में आना, है ना। अल्लाह मियाँ रहम करे सब पर, परवरदिगार सबको सेहत तो जिंदगी अता फरमाए, हाँ आमीन हाँ सुमा आमीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सबसे पहले हम शिन शिन की बात करते हैं। जी चुन चुन के लाती हैं, छिन छिन की बात करें आप।
पहले हम शिन शिन की बात करते हैं, ठीक। और शिन शिन की बात का जो नोट है ना वो मैं अलग से बना के लाई हूँ। अच्छा, कितने का देखिए नोट है वो? वो इतना बड़ा नोट है, देखिए आप, मैं बना के लाई। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। ये मैंने आपसे कुछ और मैंने पूछा था, इसलिए लिख कितने का लिया नोट है था। वो? अभी मैं बताती हूँ कितने का नोट है, लेकिन मैंने कहा मैं इसको भूल जाऊंगी और अगर कंप्यूटर कुछ इधर उधर हो गया तो। लेकिन ये मज़ेदार खबर थी तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं। अच्छा जी, शिन शिन, जायंट पांडा इन, ओके। यस, इन टोक्यो ओयनो जू में उन्होंने ट्विन बर्थ की है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड है ये चीज। जी, और उनका नाम है शिन शिन, उनका ठीक नाम है? होना चाहिए था चिन चिन। हाँ, चलिए, शिन अच्छी शिन, बात है, चिन हाँ चिन। हाँ लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, फर्स्ट पांडा बर्थ इन 4 इयर्स, 4 साल के बाद वहां पर ओके। ये हुआ है। ट्विंस वर बॉर्न 1.5 आवर्स आवर अपार्ट। अभी जेंडर का इतना वो डिस्क्लोज नहीं और किया। श्योरिटी नहीं हुई। हाँ, अच्छा, लेकिन उनके फादर जो हैं, मतलब छिन छिन के। शिन शिन तो मदर हैं, अच्छा अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा फादर जो है वो री री हैं, ओ ओके। अच्छा, जैपनीज, आई थिंक उनके यहाँ ऐसे नाम होते होंगे। वो री री जापान में हैं, हुए हैं। जी, ओ, तो जापान फिर तो में। जिन जिन होना चाहिए था भाई। अभी देखिए, मैं और क्या बता, इससे पहले उनकी बेटी, एक और उनकी बेटी पैदा हुई पांडा की, जो कि शिन शिन की, और वॉज बॉर्न July 3, 2005, और उसका नाम था जिंग जिंग। ओके, क्या यानी फैमिली ऑफ फाइव, बात, वेरी क्या हैप्पी बात, फैमिली ऑफ क्या फाइव। बात है, वेरी अच्छा, गुड। जो ट्विन्स हुए हैं ना, मैं वजन की बात कर रही थी, उनमें से एक जो है ना उसका वेट है 4.37 आउंस, ठीक अच्छा है? अच्छा उसका वेट है 4 pound 37 ounces। अच्छा अब, और वो एक इतने से हाथ में आ जाते हैं। सही बात है। लेकिन जब आप बेयर कहते हैं ना तो आपके जहन में आता है कोई बहुत बड़ी चीज़। हाँ लेकिन जब उनके बच्चे मैंने देखे हैं तो वो तो हाँ इतने से इतने हैं से बिल्कुल। पतले। हाँ, एंड पांडा बेयर जो होते हैं ना वो ब्लैक और वाइट होते हैं, वाइट होते हैं और उनकी का, लेकिन वो बिल्कुल स्किन कलर के हैं बच्चे। आई मीन दैट्स अमेजिंग। मुझे अच्छा लगा कि मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ, नाम भी शेयर करूँ, सही बात है। और क्या हैप्पी फैमिली ऑफ फाइव है। राइट। मतलब आई मीन इट वॉज गुड, अब मैं स्टार्टेड आपसे, माई माई स्टार्टेड शो टीम ऑफ टू। ओके, अब मैं, आपने तो पांडा हाँ से किया, अब मैं हाँ एक ह्यूमन की मैं अच्छी सी जी, खुशी की खबर बताऊं हाँ कि एक फैमिली में एक प्री मच्योर बेबी हुआ, और वो बेबी जो थे सिर्फ लेस देन अ पाउंड, जी लेस जी देन यार, अ पाउंड। जी और क्या हुआ कि फिर जब मैंने कल वो दोबारा उसको खबर को देखा, तो कुछ महीनों के बाद, वो तकरीबन 4 महीने का वो बेबी हाँ, 4 महीने हुआ के है अब, बाद और माशाल्लाह वो बाउंसिंग बेबी, 7 pound का हो यस, गया और 4 महीने बड़ी में। खुशी दिली मुसर्रत हुई उसको देख करके। एक्चुअली हाँ, 1 pound बेबी, लेस देन 1 pound बेबी जो थे वो 21 days टू, इसका था कि 4 months बिफोर पैदा हुआ 4 मंथ था, बिफोर हुआ था, है ना? यस, 4 मंथ। लेकिन देखें कि मैंने, अल्लाह जिसको ज़िंदगी देता है, उन्होंने कहा, उनकी मदर जो थी ना, उन्होंने कहा मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। माँ की खुशी देखें हाँ, आप। मैंने कभी, उनकी मदर ये कहती, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं सोचूं इसके बारे में कि ये जिंदा बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, कुछ सर्जरीज भी हुई रिलेटेड उससे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हाँ, हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन कहने लगी कि मैंने गिव अप नहीं किया, और मैंने वेरी कभी गुड। ये नहीं सोचा कि ओ ये तो पता नहीं तो चलिए, बचेगा मैंने नहीं, भी आपको कितनी अच्छी ह्यूमन स्टोरी है सुना ना? दी, हाँ, राइट? और यस उसकी उसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। जी, जरूर जरूर जरूर, अच्छा, बिल्कुल, हेल्थ कनाडा अनाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यस। हेल्थ कनाडा अनाउंस टू रिकॉल 18 different सैनिटाइजर्स। वाह, देखिए, आपके, देखिए, हाथों में एलर्जीज और हाँ, आपको दाने और ये इंग्रेडिएंट्स आर वो। नॉट सेफ, सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर नॉट सेफ। तो देखिए, आप जाते हैं ना, जब मैं एक्चुअली, अब मैं तो ऐसा नहीं करती, क्योंकि इन द बिगिनिंग आई डिड, कहीं भी जाना है भाई, आई हाथ नो अ साफ करना फैमिली, है। उनकी बच्ची को हुआ शैला जी, और आज उसको 7 महीने, 8 महीने, साल के करीब जी, हो रहा है, और अभी तक ठीक नहीं, उसके दोनों हाथों में दाने आ हाँ, गए, और दाने बड़ा नहीं, इलाज हो रहा है, दाने जख्म आ गए।
जख्म आ गए और यस जैसे फांके बनती है ना, इस तरह से हाथ हो गए। हाँ और वो क्योंकि वो उस जमाने में स्कूल भी खुला हुआ हाँ था, हाँ बच्चे स्कूल जाते थे, उनको ये होता हाँ था कि एवरी टाइम यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड, हाँ फिर समटाइम ग्लव्स भी पहने, तो वो तो। और फिर गर्मी का मौसम शुरू हो गया, वो तो, या हीट भी थी ना, मतलब हाँ तो वो तो इतने जख्म है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उसको देख रहा है, लेकिन इलाज हो रहा है। और ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट का ये कहना है कि कई बच्चे हमारे पास ऐसे आए हैं बताइए, ऐसे पैंडेमिक चीज़ों में। को बगैर टेस्ट किए हुए क्यों मार्केट में ले आते हैं? ये नहीं तो सब अहमद, बिजनेस, एक्चुअली आई डोंट नो। बच्चों अच्छा, इनसे अभी टेस्ट, भी एक बड़ी अच्छी बात बता रही, बड़ी खुशी की बात है। सोचिए क्या होगी जनाब, वो कह रही है आई कैन ज्वाइन यू गाइस सैटरडे, माई लास्ट संडे वाह, वेरी ऑफ गुड, फ्रॉम वर्क, सो लुकिंग फॉरवर्ड। यस, इंशाल्लाह इनशाला वी इनशाला, विल बी ऑफ यस। कोर्स अच्छी टुगेदर अच्छी ऑन अच्छी बातें लिखिए, सैटरडे, मजेदार बातें बताइएगा और बड़ा मजा आएगा ठीक इनशाला। है। इसमें अच्छा, थैंक यू। यानी कि सैटरडे 11 AM जो हाँ ईस्टर्न टाइम, गुड मॉर्निंग का जो प्रोग्राम हमारा होता है, उसमें इन सभी भी हमारे साथ शामिल इन होंगे। सभी भी चीयर्स चाय लेके जरूर आना है आपने, ठीक है? यस 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 ओके। अच्छा देखिए अहमद, आप जो बात कर रहे थे ना, ऐसी चीज़ें क्यों डालते हैं, क्यों इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता। असल में सडनली पैंडेमिक आया और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने अपनी जान एक अच्छा काम करना चाहा, और उन्होंने हाँ, लेकिन फिर भी सैनिटाइजर्स जो थे ना बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़रूरत थी कि आप जाएं तो आपको सैनिटाइजर की बॉटल नहीं मिलती थी, कहीं नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने अल्कोहल से जो है ना हाथ साफ करने शुरू कर दिए थे। तो ये उनका कसूर उस वक्त नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से जब बनता है तो उसके असरात, जब हाँ, जल्दी में डिफरेंट लोगों बना, पे डिफरेंट जल्दी में असरात बना है। ना, इनसे अभी भी कह रही है थैंक यू थैंक यू इनसे। थैंक्स टू दोस कंपनी के जिन्होंने राइट जल्दी जल्दी तमाम सैनिटाइजर आउट राइट ऑन द शेल्फ किए। किए। लेकिन ये कि हर जगह हम जाते हैं, आप इस बात को नोट कीजिएगा कि हर जगह एक नया नाम लिखा होता है सैनिटाइजर के ऊपर ना, या नई कंपनी होती है सैनिटाइजर की। तो बहरहाल मैंने एक छोटी बॉटल रखी है रीफिल, और वो मैं अपने पाउच में रखती हूँ जो मैं बाहर जाती हूँ तो, हाँ, और उसमें से मैं अपना हाथ साफ करके अंदर और बाहर आती जाती हूँ। राइट। और मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो गई हूँ, क्योंकि इन द बिगिनिंग आई रियली हैड इट वाज रियली बैड बैड, रिएक्शन। बहुत और ज्यादा। वैसे भी नंबर वन हूँ मैं एलर्जीज के लिए, कोई भी चीज़ से एलर्जी होनी है ना, बस मुझे हो जाएगी। एनीवेज, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ड्रग स्टोर एम्प्लॉय असॉल्टेड बाय द कस्टमर, द सीरियस इंजरीज टू एम्प्लॉय, और कह रहे हैं कि वो देयर वर लुकिंग यस्टरडे की ये खबर है। लेकिन हाँ मैंने सोचा मैं आज आपसे ज़रूर शेयर करूं हाँ कि किसी से आर्गुमेंट ना करें अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, क्योंकि लोग दूसरों को हर्ट करने लगते हैं। सो जस्ट बी सेफ एंड कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि जो सेफ्टी रहे आपकी और मैसेज भी पहुंच जाए। तो ये हमारी बात थी। अच्छा, हमने कहा था कि हम जेल के ऊपर क्या देखें, और भी किसी मुल्क ने ये कहा था कि अगर तुमने मास्क नहीं पहना या वो क्या कहते हैं, फिर वैक्सीन नहीं किया तो यू विल बी जेल में भेज दिया जाएगा। और फिलिपीन ने ये थ्रेटन किया है टू पब्लिक, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे सडनली। तो आई मीन इतना ज़्यादा लोगों को पुश करना पड़ा, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं आया अभी तक। तो दैट्स बैड, दैट्स रियली रियली सैड कि इतने इस हद तक पहुँचना पड़ता है सिटी को, हुकूमत को, कि भाई सज़ा इस तरह की दी जाए। अच्छा, एक सैड न्यूज़, बहुत सैड मुझे लगी आज एकदम से ना, मुझे, मैं जितना मैं पहली दफ़ा सैड हुई थी ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं आज सैड हूँ, जब मुझे पता चला कि 751 अनमार्क्ड ग्रेव फाउंड। पहले तो 250 पे बात हो रही थी, 300 पे बात हो रही थी, अब आप ये देखें एट रेजिडेंशियल स्कूल, वेरी वेरी बैड, वेरी सैड। लेकिन अभी सो देखिए सैड। इसके उसमें ये भी कि एडल्ट भी हैं उसके अंदर, उस ग्रेव में और उस पूरे सेमेट्री में। अब देखिए क्या होता है, लमिया बेहतरी सेवन करे। हंड्रेड फिफ्टी वन या तो पता चली है, और अभी कह अच्छा, रहे हैं कि अभी बहुत 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 कुछ। या बहुत आगे का जनाब, पता आपको चल एक और रहा। खुशखबरी सुना देता हूँ जी मैं कि सुनाइए। लुबना वारसी साहब आ चुकी हैं। वाह, क्या वेलकम बात है, लुबना, वेलकम। बहुत अच्छे के बाद लुबना कैसी। मैंने आपको कॉल भी की थी और बहरहाल कोई रिस्पांस नहीं मिला। हो सकता है कहीं आप लोग और गए हुए हो उस वक्त। बहरहाल लॉकडाउन था ना, हमारा नंबर जो है हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है? राइट, तो आप हमें कॉल ज़रूर कीजिए। इस वक्त स्टूडियो में भी कॉल कर सकती हैं लुबना, आप आपसे बातें करनी है।
स्टूडियो का नंबर आप देख रही हैं 6472732393। ग्रैब कीजिए आप फ़ोन किसी और का, अपना इस फ़ोन को ऑन रखिए, आप आवाज़ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा अपने फ़ोन की और हमसे बातें कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। इट्स अ लॉन्ग ओवर ड्यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, यू वॉचिंग टी टॉक। आज भी होता है ये 11 से 12, और सैटरडे को हम फिर हाजिर होंगे सुबह, नहीं सॉरी थर्सडे को हम लोग 10:30 11:30, थर्सडे को शाम को 10:30 11:30 ईस्टर्न टाइम, और सैटरडे को हम लोग सुबह 11 से 12 बजे तक टी टॉक में आप लोगों के साथ शामिल हाल रहेंगे। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज हमने शुरू से ही पैंडेमिक के ऊपर बात करने लगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी उनका शेयर करना जरूरी था। स्टेप टू तो शुरू हो रहा है June 30th। तुमने कह रही है गुड टू सी यू एंड सॉरी मिस यू कॉल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। गुड टू सी यू। 6472732393 इज द नंबर। अच्छा, वेरी सून इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि नीलोफर नसीम साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी एज यूजुअल वहां से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ये अच्छा, आप हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान से हमें बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देती हैं। जरूर सुनिए डायरेक्टली लाइव फ्रॉम पाकिस्तान इन आवर प्रोग्राम्स। अच्छा, अब देखिए, अब चूंकि हम इसी सब्जेक्ट पर हैं, लुबना वर्सी कॉल कर रही हैं। लुबना कॉल अस एट 6472732393। स्टूडियो का नंबर हमारा, प्लीज कॉल अस एट 6472732393। थैंक यू। अच्छा, अब देखिए, टेक्सास में मोर देन 150 हॉस्पिटल वर्कर फायर। क्यों? प्लीज गिव अस अ कॉल और रिजाइन ओवर COVID-19 वैक्सीन, क्योंकि वो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे। अच्छा, हेल्थ वर्कर हैं और वो वैक्सीन नहीं लगा रहे, गलत बात है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन वो लोग ये कहते हैं, हमने कॉल ऑन कर दी है, वो लोग ये कहते हैं कि हमसे हमारा राइट क्यों छीना जा रहा है, जब पब्लिक को ये राइट है कि वो लगवाए या ना लगवाए, तो हमसे क्यों छीना जा रहा है। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्रिया लुबना, क्या बड़ा अच्छा लगा आप माशाल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में, आपकी आवाज दुनिया सुन रही है। मैंने ऐसे अपने फेसबुक ओपन की तो मैंने देखा शैला भाभी बैठी हैं, तो कितनी कर सकती थी ना। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है आवाज सुन के लुबना, बहुत अच्छा लग रहा है, और आवाज भी बहुत प्यारी, और लुबना वारसी बहुत क्या कहना चाहिए, दिल से भी खूबसूरत, देखने से भी खूबसूरत, बोलने से भी खूबसूरत। माशाल्लाह हमारे बहुत साथ देती हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, लाइक डॉल बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सारा प्यार। भी हमेशा अच्छी होती हैं ऑलवेज। बल्कि थोड़े दिन पहले मैं किसी से जिक्र कर रही थी आप लोगों का, मैं कह रही थी कि वे बोथ आर वेरी नाइस पीपल लाइक, और ये बड़ी अच्छी खुशकिस्मती की बात होती है कि अगर आप अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए या अच्छे लोगों से आपका वास्ता पड़े। तो देख लीजिए हम लोग कितने खुश हैं कि लुबना हमारे साथ है, हम लोग कितने खुश हैं लुबना, देख लीजिए आप। हाँ, कि कोई इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। यस यस, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, लाइक इट्स सो गुड, हमेशा बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के प्रोग्राम में आके और आप लोगों से बात करके भी। सो नाइस लुबना, बात ये है कि देखिए अल्लाह का करम है, इतने अरसे से हम लोग मीडिया के साथ हैं, अब हमने ये सोशल जो हमारा ये ना इस वक्त ये हमने शुरू किया है बहुत दिनों से, कई लाइक 2-1.5 साल हो गए इसको, उससे पहले रेडियो पे थे, टीवी का चैनल ये वो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे दूर दराज लोग और हर वक्त अपने हाथ में सेल लेके उनको टीवी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी हैव क्रिएटेड आवर ओन स्टूडियो, माई सन क्रिएटेड दिस वन फॉर अस। तो हमें थर्सडे को आप हमेशा ज्वाइन कर सकती हैं शाम 10:30 से 11:30, 11:30 तक, और सैटरडे को सुबह 11 से और 12, ये हमारे आवर्स हैं हमेशा। और सुनाइए क्या नई था, और इंशाल्लाह हमारे इवेंट्स भी होंगे, सारे हॉल बुक हैं हमारे, और आप तो हमारी साथी हैं। अब हम एक काम शुरू करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी सोच रहे हैं कि आप लोगों को क्लिप्स दिखाई दें क्या क्या होता था, तो हाँ। जरूर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से हम ये करेंगे। हाँ, हमारे जितने भी इवेंट्स हैं भाई, आपके प्रोग्राम तो ऐसे होते हैं कि मुझे याद है कि मैं 15 दिन पहले पाकिस्तान से आई थी और फुल शॉपिंग करके वहां से आई थी, लेकिन आई
मैं आपका ईद का मेला मिस नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने आपसे वहां से भी शॉपिंग की। मुझे याद है आपने मुझे अपना बैग दिखाया जी था। मुझे अच्छी तरह याद है, और मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था कुछ उन्होंने। नहीं भाई भाई बहनों के लिए खरीदते हैं। लुबना बोलिए। एग्जैक्टली, यस यस, गुड गुड जॉब, गुड यार जॉब। देखा लुबना, ये पक्की बहन है तुम्हारी। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी भी छोटी बहन हो, नेक्स्ट टाइम योर गिफ्ट इज रेडी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, आप लोग वही गिफ्ट होता है ना हमारे लिए, जो आप लोग इतनी अच्छी हाय लेवल सजाते हैं, वेरी वो ट्रू एक्चुअली लुबना। हम लोगों के लिए गिफ्ट होता है। मुझे ये भी याद है, एक दफा, आई डोंट नो डू यू हैव टाइम, और अभी श्योर हाँ श्योर, हाँ गो अहेड। प्लीज, ये आपका शो है। अच्छा हाँ, तो मुझे याद है एक दफा मैंने, जब काफी पुरानी बात है, मे बी 8-10 years बिफोर, मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग ईद का तो रमजान में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन एक ईद के दिन भी प्रोग्राम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ईद वाले दिन जाने का कोई भी घर नहीं होता। एंड यू गाइस डिड दैट प्रोग्राम, आई रिमेम्बर, मैं भी मुझे आती हूँ। याद है लुबना, मैंने, यकीन कीजिए मुझे सब कुछ याद है, आपके कहने पे किया था। और आपसे मैंने कहा था यार मेरी भी फैमिली है, तो कहने लगे, आपने कहा था कि यार उन लोगों के पास घर नहीं होता। इस चीज़ ने मेरे दिल को इतनी मतलब एकदम हिट किया, और मैंने वो शो किया था, और बच्चे मुझसे नाराज भी हुए थे। हमारे बच्चे हमारे बच्चे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। और मैंने अपने बच्चों को भी बुलाया, मैंने कहा तुम लोग भी आओ, और बड़ा जी मज़ा आया बिल्कुल। था। आप ये बताएं कि ये पेंडेमिक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह के सब जीते हैं, और आप इस वक्त हमसे बात कर रही हैं, सेहतमंद हैं माशाल्लाह से। कैसा टाइम गुजरा आपका ये टाइम, थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। तो जी सच सच बिल्कुल कहूं सच बताइएगा, अपने दिल की देखिए, आवाज। बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड अल्लाह था अल्लाह रहम। लाइक, क्योंकि एक तो एक तरह का डर था, फिर एवरी डे कोई बैड न्यूज होती थी, और इतना पूरी दुनिया में इतनी बस दुआ करते रहते थे, और अभी भी दुआ कर रहे हैं हाँ। कि अब बस, अब इट शुड बी स्टॉप, और हर चीज बैक टू नॉर्मल हो जाए, और सबके लिए खुशियां और आसानियां मिल जाए बस अमीन ये। सुम्मा आमीन अमीन। सुम्मा आमीन। लुबना जुबैर बस खोकर यही साहब ने दुआएं ज्वाइन कर हैं, लिया हमें। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू, बस यही दुआएं हैं, और हम सब की एक दूसरे के लिए यही दुआएं हैं कि जो सब लोग जीते रहें और सब लोग सेहतमंद और खुश रहें। तो इंशाल्लाह अब आप आती रहिएगा शो टीम ऑफ टू में, और बातें करती रहिएगा, कोई एक छोटी सी बात जो बड़ी आपके दिल की बात हो आप उसको शेयर करें इस वक्त अपने हमारे दोस्तों तक साथ। ये पैगाम पहुंचा दें, ये हमारा पूरी दुनिया में देखा जाता है प्रोग्राम, और बड़ी दूर दूर से कॉलें आती हैं। और अभी पाकिस्तान से देखिए जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, ताज़ा खबरें आपको सुनाएंगे डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ओह दैट विल बी सो गुड, दैट विल बी। यस अच्छा, छोटी सी बात तो मेरे पास बहुत सारी होती है, लेकिन वो सही बात नहीं होती है सही ना कि सही। जब फिर कह दे तो वो बिल्कुल याद नहीं आती। मैंने सिर्फ ये कहा ना कि जो बिल्कुल दिल से आपके दिल को अच्छा, छू मैं रही है आपको वो शेर बात। सुनाती हूँ। अरे ओ वाह, जबरदस्त, क्या बात है जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा, किस भेष किस लिबास में मिल जाए कब खुदा, हाँ किस भेष किस लिबास में मिल जाए कब खुदा, रखिए दुआ सलाम हर एक खास तो आम आम से। से। अल्लाह वाह अकबर, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह सुंदर, माशाल्लाह। जबरदस्त, और बहुत जरूरत है इस वक्त इसकी जो बात आपने कही है। और हमें आपसे दुआ सलाम हमेशा रखनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लुबना, आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे हम जरूर, अब आप प्रोग्राम। अपना प्रोग्राम कैरी ऑन कैरी, करें। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो आपका मच, मैंने प्रोग्राम बहुत है। टाइम नो ले लिया, आप मेरा नो नो मुझे नो, यकीन यही करें, तो इस प्रोग्राम आप की लोग तो खसूसियत देख के है। मैं रुक नहीं सकी बात नहीं करे नहीं बगैर। बहुत रुबना, अच्छा किया, हमें भी मजा यही आया। तो हमारे प्रोग्राम की खसूसियत है कि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप लोगों को अपने सर आंखों पे बिठाया, और आप लोगों को वक्त दिया। ये आपका आपका स्टूडियो और आपका वक्त आपको पता है है। लुबना, आज ऐसा लगा जैसे ना मैं आपकी हाय आवाज सुन के हाय स्टूडियो में इस वक्त आपकी आवाज गूंज रही, माशाल्लाह। और मुझे लगा कि कोई पेंडेमिक नहीं था, हाँ कुछ नहीं था, और मैं एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बात कर रही हूँ। इट वॉज वेरी गुड फीलिंग। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह थैंक यू आपको जीता सो मच। रखे। अमीन थैंक सुम्मा यू, अमीन। थैंक हमारे तमाम व्यूअर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो यू मच। सो मच।
अल्लाह हाफिज़। इतनी फोर मिस कॉल हो गई है, यानी कि लोग बहुत ज्यादा हमें कॉल कर रहे हैं। अच्छा, नो प्रॉब्लम। सॉरी, क्यों नहीं हमें इसमें से कॉल वो हुई। बहरहाल पाकिस्तान से भी कॉल जो है ना वो हमारी अच्छा, मिस हो गई आप है। आई देख लीजिए, थिंक के हम उनको कनेक्ट कर लेते कर हैं, लेते। क्या हाँ ख्याल है? क्योंकि बिल्कुल वो दे कीजिए, मस्ट बिल्कुल बी वेटिंग यस। ट्राइंग टू कॉल, तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ ताकि आप तक देखें वो क्या चीजें लेकर आई हैं। राइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। फ्रॉम कैनेडा। नीलोफर नसीम फ्रॉम कराची पाकिस्तान, अच्छा, रिपोर्टर फॉर शो टीम ऑफ टू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। जीती रहे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह और माशाल्लाह। बड़ी दुआएं आप लोगों के लिए कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो और आप सब आमीन खैरियत से रहें। आमीन, आमीन सुबह थैंक यू। आमीन। अच्छा, तो आज आप अच्छी खबरें सुनने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं? ऑलवेज बस ऑलवेज। आप आ गए, अच्छी खबरें आ गई। हाँ जी, अच्छी खबरें तो शुरू करें हम फिर। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जनाब, बहुत लोग देख रहे हैं। जुबैर खोकर साहब भी, हमारी लुबना वारसी साहब भी थी, इंसा बेबी थी, बहुत से लोग जनाब, और पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जनाब जो कि आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन जी रहे हैं। जी फरमाइए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली खबर तो हमारी पाकिस्तान के जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में है। जी पाकिस्तान के 212 कमर्शियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्होंने अपने जो लॉसेस हैं जो उसको रिड्यूस किया है अप टू 50% विद इन 1 ईयर। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, गुड नंबर्स। जी, पहले जो लॉसेस थे 286 अरब के लॉ अच्छा जिसको उसका ही अरब पे ले आया गया है। इसमें तो मेजर 12 कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो मेजर इंस्टीट्यूशन है वो PIE है, स्टील मिल है, रेलवे है, एंड सो फार एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है जिसमें रिडक्शन हुई है दैट इज अप टू 98% वो है हमारा PIE। अच्छा और इसके लिए बहुत अरसे से सोचा जा रहा था कि ये इतना ज्यादा है, जिसको कहते हैं सफेद हाथी बन गया था पाकिस्तान के लिए, जी, और इसकी इतनी इनकम नहीं थी जितना इसके लॉसेस हो रहे थे। तो इसको रिड्यूस, ये इतना रिड्यूस हुआ है 98% जो हमारे सरकारी खाते हैं उसमें 98% रिडक्शन, इसके ऑपरेशनल लॉसेस जो हैं वो 98% रिड्यूस हो गए हैं। वाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये हमारे पास अच्छी खबर है। जी, ये बहुत अच्छी खबर है। और इसके अलावा हमारे जो ये है स्टील मिल है इसमें भी दैट इज द रेशियो इज 3:4, तो ये भी बहुत बड़ा एक हमारे अचीवमेंट है इस हुकूमत की पिछले 1 साल में। अच्छा, जी वेरी नाइस, वेरी डेफिनेटली नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल। वेरी गुड। अशफाक अच्छा, टोटल मोहिद्दीन ने हमें ज्वाइन पाकिस्तान किया। जो, जी, अशफाक मोहिद्दीन ने भी हमें ज्वाइन बस कर आप लिया, आपको सबकी सुन रहे दुआएं हैं हैं, माशाल्लाह। जी फरमाइए। आप सबकी दुआएं हैं, और आप हमारी हुकूमत की मेहनत है कि ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है। अच्छा, टोटल जो रिडक्शन हुआ है वो 34% है, अच्छा क्योंकि उसमें 34% इस तरह से ऑपरेशन चार्ज जो हमारे जो रिड्यूस हुआ है ऑपरेशन लॉसेस में उसमें 98% है, लेकिन टोटल जो है वो 34% है। अच्छा, इसमें क्या किया गया है कि जो इसको रिड्यूस किया गया है इसमें तकरीबन 700 फेक एम्प्लॉयमेंट थी उसको फारिग किया गया है। उसके अलावा जो करप्शन के केसेस थे उनको टेक ओवर किया गया है, उनको डील किया गया है। तकरीबन 2,000 लोग ऐसे थे जिनको गोल्डन शेक हैंड दिया गया है ताकि वो, क्योंकि वो एक्सेस थे, तो जैसा कि अच्छा वो काम कर रहे थे उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो एक्सेस अपॉइंटमेंट हो गई थी किसी भी वजह से। बहरहाल उनको हाँ, यहाँ से फारिग किया गया है, लेकिन उनको गोल्डन शेक हैंड भी दिया गया है। अच्छा, ये तो हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है फिर। जी जी इसके अलावा इन्होंने जो किया है वो जो हमारे नॉन ऑपरेशन रूट्स थे उनको रीशेड्यूल किया गया है, और उसको इस तरह से किया गया है कि उसको हमारे हमें लॉसेस ना हो उसमें।
इसके अलावा जो मेजर लिए गए हैं, जो कार्गो है उसको कंपनसेट किया गया, जो एक्स्ट्रा सीट्स हमारी या होती थी जो के बुक तो होती थी लेकिन वो यूज नहीं होती थी, उसकी जगह उन्होंने कंपनसेशन के लिए जो लोड कंपनसेशन है वो किया गया है कि उसकी जगह यहाँ से वो लिया, जो लोड है हमारी जो कार्गो है वो लिया जाता है और उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हमारी थी पीआई ये की। इसके अलावा स्टील मैन में भी इसी तरह से किया गया है, जो लोगों को गोल्डन शेक हैंड दिया गया है जो लोग हैं, ताकि जो सालों से ये स्टील मिल बिल्कुल कोई प्रोडक्शन नहीं दे रही थी तो उन लोगों को गोल्डन शेक हैंड दे के फारिग किया गया है ताकि वो उसको किस तरह से उसको चलाया जाए, क्योंकि अच्छा, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है जी। इस जिसको तरह ये गुज़श्ता सब कुछ हुकूमतों किया ने गया है खत्म तो कर ये दिया था। एक बहुत अच्छी खबर जी। जी बिल्कुल, आप सबको पता है कि बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। इस तरह बाकी इदारों में तमाम और किया मतलब गया है जी। सितमगरी क्या कहते हैं, जरीफी ये थी इस पर कि इतने सालों बगैर किसी ऑपरेशन के उन लोगों को बैठा के तनख्वाहें दी गई, और फिर उन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफे किए और अभी फिर डिमांड की, विच इज अनबिलीवेबल, नो वेयर इन द वर्ल्ड समथिंग हैपन। इस तरह से पाकिस्तान को गुज़श्ता हुकूमतों ने लूटा, ये लोगों ने, ये अपोजिशन पार्टी, मुझे कहने दें, कहते हैं कि जी हमें हक नहीं दे रहे वोटिंग का, जितने भी हम लोग बाहर गैर मुल्की हैं जो पाकिस्तान से निकल गए, जो हैं तो हम पाकिस्तानी और कैनेडियन या पाकिस्तानी किसी और की शहरियत। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वी लव पाकिस्तान मोर देन द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, वी नो मोर देन दोज गाइस। ये बाहर से बैठ के हम इनको जानते हैं, हम इनको देखते हैं कि वहाँ हुकूमत किस तरह से करते हैं, और यहाँ इनको किसी किस्म की कोई इज्जत अफजाई नहीं दी जाती। सबको पता है हमें ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये गुज़श्ता हुकूमत के पॉलिटिशियंस, इन लोगों ने पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया था। अल्लाह पाक इस मौजूदा हुकूमत को मौका दे, इमरान खान खान को मौका दे, ये बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, और आप लोग इनका बहुत ख्याल रखें और हम लोग भी। बिल्कुल सही कह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि एक ऐसी हुकूमत आ गई है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रही है, और यकीनन हम सबको उसका साथ देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से जी। अच्छा, दूसरा जो अच्छी खबर है वो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा बजट आ गया है जो इसका हमारा, हाँ ऐसे तो ये तीसरा बजट है इस हुकूमत का हाँ लेकिन टेक्निकली ये फोर्थ बजट है जो इस गवर्नमेंट ने दिया है। इसमें जो सबसे अहम चीज लोगों को बहुत पसंद आई, वैसे तो बहुत अच्छा बजट है लेकिन आम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात ये है कि जो गाड़ियों की सेल है उसमें मेरी गाड़ी स्कीम एक मुतारिफ कराई गई है, और इसके अलावा गाड़ियों के सेल पे 12% की उन्होंने सेल्स टैक्स में छूट दी गई है। तो आई होप कि अच्छा, गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी इसमें, और हाँ जी और इसमें हाँ लोगों को बहुत फायदा होगा। मोर बेशक अफोर्डेबिलिटी जरूर हो होगा, जाएगी लोगों और की। दानियाल राय ने भी ज्वाइन कर लिया है, शफाक मुहीद्दीन ने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के ज्वाइन करने का, और आप लोग सुन रहे हैं जो है और देख रहे हैं जो टी टॉक, यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है जनाब नीलोफर नसीम नसीम साहबा साहेबा, जी। जनाबा। अच्छा, तीसरी जो एक खबर है उसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहती हूँ क्योंकि वो उसको रिलेटेड है ये अभी मौजूदा जो हालात हैं उससे। यहाँ अच्छा, पर दमलोटी की वेल हिस्ट्री है, वेल्स जो होते हैं जो कुएं होते हैं हुए जी 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 उसकी हिस्ट्री थी। उसमें उस वक्त ये हुआ था कि पाकिस्तान कराची को वाटर सप्लाई के लिए उस जमाने में ये 1838 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे तो हाँ कराची में उस वक्त भी पानी की बहुत कमी थी। अच्छा तो ना उस वक्त केंचे झील थी ना कोई ऐसा पानी का सप्लाई का कोई सिस्टम था। तो उस हुआ ये कि 3 साल तक कराची में बारिश नहीं हुई, 3 साल के, और लोगों ने बड़ी दुआएं की कि किसी तरह से कराची में बारिश हो। 3 साल बाद जब बारिश हुई है कराची में तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो स्वीट है वो अचानक से नमूदार हुआ, यूं समझे कि वो डिस्कवर हुआ। अच्छा उस वक्त कराची के जो मेयर थे वो थे जमशेद नसर जी, अच्छा सॉरी जमशेद नसर वान जी। अच्छा अच्छा उन्होंने उस वक्त इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया और उन्होंने यहाँ पर 16 वेल्स की खुदाई की जिससे पाकिस्तान सॉरी कराची को
वाटर सप्लाई किया गया है। उस अच्छा वक्त कराची की जो टोटल पॉपुलेशन जो थी ये 14,000 थी। ओ तो अब क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ ये सब बंद होता चला गया, और इस वक्त जो है वो 6 वेल्स जो हैं वो अभी ऑपरेशनल हैं। तो अब ये किया गया है कि उन 6 कुओं को दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान कराची की जो पानी की जरूरियात हैं उससे पूरी की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जरूरत है और पानी की बहुत शॉर्टेज है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली या बहुत कमी होती चली जा रही है, खास पे इलाके तो ऐसे हैं जिनको पानी की बहुत कमी हो जाती है। इसके अलावा आपको पता है कि जो वाटर सप्लाई है यहाँ का जो सिस्टम है उसको टैंकर्स के जरिए पानी को बेचा जाता है, जो बहुत पानी बुरा है है। उसको बीच में से कट करके जमीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंध के जो बड़े लोग हैं वो उसको बीच में से बिल्कुल कट करके जी। पानी को और अपनी जमीनों को देते हैं और लोगों को पानी नहीं मिलता। तो अब इस हुकूमत ने, हमारे जो मेयर हैं उन्होंने इसकी सारी तफसीलात शुरू कर दी है, बल्कि इसको इस पे काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह बहुत हद तक पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह ये वाटर टैंक माफिया जो है पाकिस्तान में, और इसी तरह से जो ये फायर ये वाटर हाइड्रेंट, इनको जो है इन पे कब्जा करके ये इंटीरियर सिंध के जो बड़े बड़े लोग हैं, और इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो सिंध के लोग हैं वो शामिल हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर बना रहे हैं इस पानी को रोक करके। मेरी इल्तजा है कि आप लोग सब मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, हुकूमत तक इस बात को पहुंचाएं, और मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ आर्मी को यूज़ करना पड़ेगा, इनकी इतनी बड़ी फोर्स है ये, इसको नेस्त नाबूद करने के लिए इन मालिकान को जो वाटर हाइड्रेंट और वाटर टैंक माफिया जो है इनको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी फोर्स को यूज़ करना पड़ेगा। और ये मेरी आवाज़ आप पहुँचाइए पाकिस्तान के टॉप नॉच लोगों को, और हम यहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस हुकूमत की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, नई जो चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं या जिसके लिए पैसे की जरूरत है वो तो हो रही हैं, जिस हद तक हुकूमत के पास पैसा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो ऑलरेडी मौजूद है चीजें, उन सब चीजों को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि वो रिसोर्सेज हमारी दोबारा से यूज हो सके। बेशक तो बेशक ये एक कॉस्ट भी कम आएगी और उसको ज्यादा इफेक्टिव भी होगा और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन और होगी। ऐसे रिजर्वर्स बनाने चाहिए पाकिस्तान में, कराची में, जो कि बारिश के पानी को प्रिजर्व कर सके। जी, वैसे तो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जो समंदर के पानी को मीठा करके और उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके भी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो ऑलरेडी मौजूद है उसको इस्तेमाल करने के लिए मत जो है वो कोशिश कर रही है। वेरी गुड, और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग बहुत दुआएं करें कि अल्लाह बेशक, करे कि ये सब चीजें इसी तरह से आमीन होती रहें, और जी, इंशाल्लाह अगली दफा जब पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट आए तो वो इससे इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर काम कर आप सके। जरूर आमीन, करेंगी। बहुत सुम्मा से आमीन। मुसाइबत से मुसाइब से गुजरना पड़ रहा है इस हुकूमत को, क्योंकि पुरानी हुकूमतों ने मुल्क का बुरी तरह से सत्यानाश किया हुआ था। बहरहाल इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदें हैं हमें बस इस आ हुकूमत से। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो बहुत मच। जबरदस्त, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी इस टाइम पर हमारे लिए ये न्यूज़ लाइव लेकर आती हैं। शो टीम ऑफ टू में नीलोफर नसीम साहिबा का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत सख्त नींद का टाइम होता है, हमें पता है, और हमें पता है कि वहाँ लोगों का रूटीन क्या होता है। फजीर में उठते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सोना बहुत चाहते बहुत हैं, शुक्रिया आपका और जी। आज के दिन आप जागती हैं हमारे तमाम जितने लोग हमारे हमें देख रहे हैं उन सब साथियों के लिए, और जितने लोग इसको सुनेंगे बाद में देखेंगे तो बहुत शुक्रिया। और अल्लाह करे कि आप सेहतमंद रहें और जीती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शैला एंड अहमद भाई, माय प्लेजर, मैं आपको ज्वाइन करती हूँ इसको। मेरे लिए भी बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इसको करना। और आज के लिए इतना ही है, और इसके इंशाल्लाह अगली दफा फिर ज्वाइन करूंगी इंशाल्लाह आपको। इंशाल्लाह टेक केयर। जनाब, हमें दानियाल अराइन साहब कह रहे हैं कि कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह दानियाल, वी आर परफेक्टली फाइन, हेल्दी एंड हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सब लोग भी बड़े खुश, हेल्थी एंड हैप्पी होंगे।
और कामरान भट्टी साहब ने भी अभी ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और लुबना वारसी साहबा कह रही हैं थैंक्स नीलोफर फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए लुबना साहबा ने नीलोफर का शुक्रिया अदा किया, हाँ, बहुत हमारे बहुत साथी सोना सो नीलोफर नाइस। नसीम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मेरे साथियों का शुक्रिया कि आप सराह रहे हैं। नाइस। अच्छा जी, हॉलीवुड एक्टर हैरिसन फोर्ड इंजर्ड व्हाइल फिल्मिंग इंडियाना जोन्स 5 सीरीज है ना ओके इस मूवीज की। अच्छा सुनिए, हम ऐसा करते हैं अमित कि हाँ हम एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, श्योर, आज तो हम लोग भूल फिर गए आप कमर्शियल ब्रेक, रियल बिल्कुल एस्टेट हाइलाइट्स कर लें, जी जी उसके जी बाद फिर अभी भी बहुत बातें बाकी हैं हमारे ओके ओके, लेट्स पास। गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। थैंक यू। बाइंग अ हाउस और सेलिंग अ हाउस, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, दैट इज नन अदर देन अहमद एंड शहला जाफरी। फ्री मार्केट एवेल्यूएशन विद नो ऑब्लिगेशन फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। रियल एस्टेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। कॉल अहमद एंड शहला जाफरी 416-704-0651। जी अहमद, रियल एस्टेट हाइलाइट्स में जी क्या लेकर हाइलाइट्स आए हैं में आप मैं आज? बताता हूँ ना जनाब, रियल एस्टेट हाइलाइट्स में अच्छी बात यह है कि अभी भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, मूव नहीं हुए, इवन दो अमेरिका में इसका चक्कर चलना शुरू हो गया है और कीमतें जो हैं वहाँ पर आपको मालूम है क्या है, इंटरेस्ट रेट वहाँ पर जब सिलसिले शुरू हो जाते हैं तो कनाडा इज़ द नेक्स्ट वन, ज़रूर कुछ ना कुछ होता है यहाँ पर। तो जब तक ये इंटरेस्ट रेट कम है इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अथर जाफरी इज़ डूइंग रिमार्केबल इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट। मैं सबसे पहले अथर जाफरी का नंबर आपको बता दूं, याद रखिएगा, फॉर ऑल काइंड ऑफ योर रियल एस्टेट नीड्स एंड सर्विसेज 647-208-9724। उनकी टीम स्मार्ट रियल एस्टेट, माइकल डीक एंड अथर जाफरी, वंडरफुल वंडरफुल टीम दे आर एंड वी आर टुगेदर, सो वी आर डूइंग वंडरफुल इन रियल एस्टेट मार्केट। और हम मैं शैला अथर और टीम हम सब लोग जो है वी आर विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर इंक ब्रोकरेज। आवर ऑफिस इज इन मिसिसागा, वेरी क्लोज टू स्क्वायर वन। हमें मिलने के लिए 416-704-0651, दिस इज द नंबर यू शुड रिमेम्बर एंड यू नो इट। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की कॉल्स आती रहती हैं, बहुत मज़ा आता है। आज मेरी बात हुई है एक क्लाइंट से जो कि हमारे जो पुराने क्लाइंट, और उसके बाद फिर आज भी एक और नए हमारे जो हैं इनको मैं क्लाइंट कहूँगा, और इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी से हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन अप हो जाएगा। उनसे मेरी बात हुई, देखिए देखिए अपने क्रेडिट को उनको मैंने यही मशवरा दिया कि बहुत अच्छा रखें, मिनिमम आप लोगों का क्रेडिट जो है वो स्कोर 680 होना चाहिए, 7+ इज़ अ वेरी गुड। दूसरी चीज़ है कि डाउन पेमेंट हमेशा अपने पास रखें, प्लस कि आपको क्लोजिंग कॉस्ट होनी चाहिए 1%, 1-2% आपके पास अपनी क्लोजिंग कॉस्ट होनी चाहिए। और ये देखिए कि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, अपना बजट आपको मालूम होना चाहिए कि वोट का ना बजट यू वॉन्ट। उनका जो बजट था, आज जो मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया कि उनका जो बजट काफ़ी कम उन्होंने मुझे बताया, हालांकि उनकी इनकम 140,000 अ ईयर विद अ गुड क्रेडिट, लेकिन क्या है डेट ज़्यादा है उनके ऊपर, कार लोन, दो दो कारें, ब्रांड न्यू, ये वो सब कुछ। तो देखिए क्रेडिट इज़ वन थिंग, लेकिन जो लोन्स आपके ऊपर होते हैं ना उन लोन्स को भी देखें कि वो आपके बहुत ज़्यादा ना उसको अपने ऊपर सवार करें, बहुत ज़्यादा लोन्स ना लें, क्रेडिट कार्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अननेसेसरी ना करें। हाँ ज़रूरत तो पेश आती है, वक्त होते हैं, हालात होते हैं, तो लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है घर खरीदने के लिए। लोग कहते हैं यार वो प्राइवेट लेंडर से फंस गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं, फाइंड आउट योर ओन वीकनेस फर्स्ट, ट्राई टू उन लोगों को रेक्टिफाई करें। दो दो क्रेडिट कार्ड आपके पास ज़रूर होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ, गुड क्रेडिट गुड थिंग, एवरीथिंग इज़ गुड, हर चीज़ गुड रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने मुझे अपना जब बजट बजट बताया, ठीक है, रीजनेबल बजट था, और उस बजट के लिहाज से फिर उनको बड़ा घर चाहिए था थोड़ा सा, तो मैंने उनको मशवरा दिया कॉज क्रेड, तो उन्होंने इस चीज़ को सराहा, तो हम लोगों को घर भी मिल गया और हम लोग इंशाल्लाह उनको लेकर के थोड़े से मुजाफात में GTA से थोड़ी सी दूर निकल जाए आप,
तो आपको एक रीजनेबल प्राइस पे एक रीजनेबल घर मिल जाता है। इसी तरह से जीटीए के अंदर जो हमें मिल रहा था तकरीबन 2.5 2.7 मिलियन का, इतना बड़ा घर, एक घर जो हमें मेरे कल रात के क्लाइंट को जो था, हमने यहाँ से सिर्फ 30 मिनट्स 25 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर जस्ट लिटिल नॉर्थ ऑफ इट हमें उनको वो घर दिखाया, बताया, दिलाया और उनको पसंद आया। यकीन करें कि ये वो कितने का, ओनली $1.7 मिलियन। थोड़ा सा हम लोगों ने ड्राइव किया और आई फाउंड फ्यू होम्स जो यहाँ थोड़ा सा उनके बजट से बाहर जा रहा था, थोड़ा सा हम आगे चले और हमें वो घर मिल गया। तो इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को अपने थोड़ा सा टाइम को अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा आउट करते, अदरवाइज यहाँ पर जीटीए में भी जो अब जो वक्त आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, और इस वक्त जो है आ चुका है, इन्वेंट्री काफ़ी आ चुकी है, प्राइजेज जो है आर गेटिंग बेटर। तो अब आप जो है इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, इससे फ़ायदा उठाइए। आपको घर बेचना है तो अभी भी आपको वी कैन गेट यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस। यस, सो गिव अस अ कॉल 416-704-0651 एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू 416-704-0651 फॉर ऑल काइंड ऑफ योर रियल एस्टेट नीड्स एंड जनाब सर्विसेज। तो फॉर योर रियल एस्टेट नीड्स हम लोग मौजूद हैं, गिव अस अ कॉल 416-704-0651। जी अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ 416-704-0651 आपकी तमाम रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त और हमारा साथ, हम आपका आपके साथ साथ बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज़ देखें, हम कुछ खबरें ऐसी होती हैं, मैं सोचती हूँ वो जब पता चलता है उनके बारे में रियलिटी क्या है तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये खबरें आउट कैसे हो जाती हैं, कैसे वो कंफर्म हो जाती हैं। जैसे कि देखें अक्लेम दैट साउथ अफ्रीकन वुमेन सयानी सिथोल नाम था उनका, उन्होंने कहा कि 10 बेबीज जो है ना अर्लियर दिस मंथ के वो बॉर्न हुई हैं एज वॉज नॉट ट्रू। याद है खबर कुछ आई थी, ऐसी खबर आई थी कि 10 बेबीज हुई हैं, 10 बेबीज की डिलीवरी हुई है, अनऑफिशियल अनऑफिशियल इंक्वायरी हैज फाउंड। पता नहीं चला कि क्यों बनी ये स्टोरी, मतलब खुद खबर में भी ये कहा जा रहा है कि स्टोरी क्यों बनी है, क्योंकि जब इसके बारे में वो किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि शी वॉज नेवर प्रेगनेंट और फिर देखे ना ऐसे के, और हॉस्पिटल ने जो है ना कोई कंफर्मेशन नहीं दी, गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी कोई इसके पर हमें कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भाई एक साथ 10 बच्चे पैदा हुए हों। तो ये 37-year-old held in mental health observation, समझ गया ना। अच्छा सिंगापुर वुमेन जेल 30, आज लेडीज की खबरें काफी हो रही है। सिंगापुर वुमेन जेल 30 years फॉर किलिंग म्यांमार मेड शी टॉर्चर्ड एंड स्टार्व्ड, यानी उनको भूखा भी रखते थे, टॉर्चर भी करते थे, इतना जुल्म करते थे। क्यों इंसान एक दूसरे पे जुल्म करता है, लेकिन दिस इज गुड के जस्टिस, यू नो 30 years की उनको जेल हुई। आई होप कि हर जगह जहाँ पर भी ये जुल्म हो रहा है उन लोगों को इसी तरह की सजाएं मिलें कि जो मासूम लोगों को जिनमें ताकत नहीं है उनके ऊपर अपना पावर दिखा के और उन पर जुल्म सितम किया जाए। जापान टॉप कोर्ट रूल्स मैरिड कपल्स मस्ट टेक सेम नेम सेम सरनेम। बाज लोग चेंज नहीं करते ना, इफ देयर मैरिड दे कीप देयर ओन वाइफ कीप देयर ओन सरनेम एंड हस्बैंड कीप्स, हर जगह ऐसा होता है समवेयर, लेकिन मोस्टली तो यही होता है कि सेम सरनेम होता है, लेकिन जापान ने तो अब ये रूल कर दिया है। Okay. अच्छा लुबना वारसी आपकी खबर पे जो आपने म्यांमार के बारे में बताई थी, कह रही हैं सो सैड, इट इज रियली, थैंक यू। अच्छा साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड 24 प्लैनेट वेयर एलियंस कुड ऑब्जर्व अर्थ। देखें यानी कि कुछ तो है, वो तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं जहानों का मालिक हूं। लेकिन सोचिए कि कोई आपको ऊपर से देख रहा है, देख सकता है, अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, कुड ऑब्जर्व। और फिर ये जो उड़न तस्करियां फ्लाइंग सॉसर्स जो देख रहे हैं आजकल उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, पता है आपको।
जी, मुझे पता है बिल्कुल। द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव एंड वर्क ओवरसीज, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी 2021 की फाउंड टू बी अशगाबाद नाम अच्छा है सिटी का, हाँ ASHGABAT, अशगाबाद। हाँ द कैपिटल ऑफ एशिया तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कोई जगह होगी हाँ वहाँ का, उसका कैपिटल है वो, अकॉर्डिंग टू एन एनुअल रिपोर्ट बाय एसेट मैनेजर मर्सर। इससे पहले हांगकांग को कहा जाता था ना, ये तो मुझे याद है, और अब जो है ये अशगाबाद जो है ना वो मोस्ट अच्छा, एक्सपेंसिव सिटी टू लिव जो एंड वर्क। आपने जो बात बताई ना कि एलियंस देख रहे होंगे, तो मुझे ये मुझे पता मैं बताऊं आपको कि था। हमारे दुनिया के लोग भी दूर से बैठ करके इस हाँ ज़मीन को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे हैं। आपको मालूम है इस वक्त वो हाँ क्या कर रहे हैं? वो वेपन्स भेज रहे हैं आसमान पे। वो दूर अच्छा, से जनाब वो देखेंगे और जहाँ उनको कुछ नज़र आया वो टुश। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ये मतलब दुनिया यहाँ या इन दुनिया में बैठ करके, दुनिया के लोग दुनिया ऐसा के कर रहे ये हैं। जो स्पेस जो बनाए जा रहे हैं, स्पेस स्टेशन एंड स्टफ, अगर अच्छे कामों के लिए बनाए जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ऐसे भी स्टेशन बनाने जा रहे हैं लोग ओ कि जहाँ पर अच्छा इनकी पूरी उसको फोर्सेस बनाए, फोर्सेस रहेंगी। अच्छा और रियली, दे आई मीन यस यस ऑलरेडी ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन नहीं इट। तो वो ऊपर मैं के कहता लोगों हूँ के कि लिए नहीं कर रहे होंगे, वो नहीं नीचे के नहीं वो लोगों के लिए वही तो कर मैं रहे कह रहा हूँ, होंगे। दुनिया को ऑब्जर्व कर, दुनिया को, आई मीन कम ऑन, आप दुनिया को जो है चंद बड़े जो पावरफुल जो कंट्रीज हैं, बजाय कि इस दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, इसके ऊपर काम करने के, आसमान पे जा करके दुनिया को अच्छा खत्म तो करने के चक्कर में, दिस इज नॉट गुड। फिर मैं ये कहती हूँ कि एलियंस अगर हैं तो वो हमसे अच्छे हैं, क्योंकि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन इंसान क्या कर रहा है कि जो खुद अपने इंसान आप को को ही हाँ नुकसान पहुंचाने के लिए ऊपर तैयारी कर रहा है कि ऊपर से हम ये सब काम करेंगे। तो देखिए कि क्या, आई मीन आई थिंक दे आर बेटर देन अस। इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू अस, दे आर नॉट हार्मिंग सो फार अस, सो गुड। इफ 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 यस इफ यस यस इफ है यस यस यहाँ पर, हाँ इफ इफ है यहाँ पर। अच्छा डर्टी क्लोथ, चले अब स्पेस पे बात हो रही है तो मैं एक बात और करती हूँ। चलिए। डर्टी क्लोथ गेट ट्रैश इन स्पेस, ट्रैश इन स्पेस मतलब कपड़े जो गंदे होते होंगे, जो कुछ होता होगा वो स्पेस में ही फेंक दिए जाते होंगे, जो भी तरीका होगा। नासा एंड टाइड, टाइड क्या है पता है आपको? हाँ अमन हाँ 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 आपको नहीं पता होगा अच्छा क्योंकि आप चल हाँ लॉन्ड्री नहीं करते। हाँ ओके ओके टाइड ये सोप जो होता है, हाँ सोप लॉन्ड्री डिटर्जेंट। हाँ नासा एंड टाइड आर वर्किंग ऑन अ डिटर्जेंट टू स्टॉप दैट, कि भाई ट्रैश जो है वो वहाँ चला जाए, कि कैसे वॉश करना है उनको, कैसा सोप बनाया जाए जो जाए स्पेस में और कपड़ों के ऊपर स्प्रे हो और वो फौरन साफ हो जाए साफ हो जाए। फेंकने। ओके मतलब वहां पर भी तो फिर पोल्यूशन हो रहा है ना स्पेस में, अगर वो गंदे कपड़े छोड़ रहे हैं तो। आज से एस्ट्रोनॉट डू तकरीबन लॉन्ड्री इन पचास स्पेस। पचास 100 साल के अंदर ये होगा कि हाँ एक तो दुनिया में आप रह ही रहे, हाँ इससे स्पेस में भी एक मखलूक रह रही होगी हाँ और जो आपके ऊपर हुकूमत कर रही नहीं मखलूक होगी। नहीं, ये कहें हाँ इंसान स्पेस में भी रह रहा वही वही होगा, उसको मैं मखलूक जो कह रहा कि हूँ। कोशिश में ये है कि किस तरह से दूसरों को वहां से हम पावरफुल हो जाएं और जो चाहे देखें और हाँ करें। और स्टिल मैं कहूंगी इफ देर आर एलियंस देर बेटर देन अस, देर नॉट डूइंग एनी हार्म टू अस। अच्छा तो बहरहाल अब ये होगा कि स्पेस में टाइट जो है ना वो कैसे एस्ट्रोनॉट्स जो है ना वो लॉन्ड्री करेंगे, देखेंगे। लुमना ने बड़ी अच्छी बात की कि इंसान खुदा बनने की कोशिश में मसरूफ मसरूफ है, दिस इज दिस रियली इज बड़े प्यारे अल्फाज में उन्होंने एंड एक जी छोटी सी उसमें बहुत बड़ी बात कर दी। वेरी नाइस लुमना। थैंक यू अलुबना शेयरिंग योर थॉट विद अस। अच्छा मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी तो हो गया। अच्छा अब क्या है कि देखें अहमद, टाइम तो हो गया हमारे जाने का और हमारी बातें ही खत्म नहीं हो रही, क्या करें आप लोग बताएं क्या करें, हमारी बातें खत्म नहीं हो रही। लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। देख रहा है ब्यूटिफुल बिल्कुल, ब्यूटिफुल वो तो कहते हैं ना उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, राइट तो राइट 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 बस क्या बात क्या बात है। बातें तो बहुत सारी है, मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन उस सबसे इस वक्त मैं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बात करूंगी। बिल्कुल कीजिए। इंडिया बाजार फ्रेश पिक, इनका जबरदस्त सेटअप, सेल्फ कंटेन बिल्डिंग, और ये ब्रैम्पटन, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में सैंडलवुड एंड कैनेडी का इंटरसेक्शन, 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ ब्रैम्पटन, इनकी वन लोकेशन है
जो कि सेल्फ कंटेन बिल्डिंग है, लॉट्स ऑफ पार्किंग की कोई मसला नहीं है, और पेंडेमिक के लिहाज से इन्होंने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, और इनका हर सेक्शन जो है ना वो मज़ेदार है। मेरा फेवरेट सेक्शन फ्रेश पिक्स यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, जहाँ कई मुल्कों से इनके पास सामान आता है। इसके अलावा इनका रेस्टोरेंट एरिया बहुत ज़बरदस्त और डिलिशियस, हर साइज़ की केटरिंग करते हैं, और इस ईट इन रेस्टोरेंट भी है, और वेरी सोन इट विल बी ओपन अगेन, और मिठाइयाँ फ्रेश वहीं पे बन रही होती हैं। और इसके अलावा साउथ एशियन ग्रोसरी की होलसेल और रीटेल दोनों करते हैं ये। आपने जाना है और वहाँ जाके ज़रूर नाम लेना है शो टीम ऑफ टू का, ताकि उनको तो पता चले कि तारीख जो है वो जी सलाम कह रही है और अस्सलाम वालेकुम, कैसे पूछे वेलकम टू कैसे शो टीम ऑफ टू टिक नेटवर्क टॉक। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। देखा कैसे मैंने अभी इनका नाम लिया हो? जीती रहे जीती रहो तुबा। कैसे तुबा हाँ जी अलहमदुल्ला, हम आप? तो बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह फाट हम हैं, लोग अभी तो बिल्कुल सेंट्रल ठीक ठाक। आइलैंड से आ रहे हैं माशाल्लाह से। ओ कहाँ से वंडरफुल, आ रहे? सेंट्रल सेंट्रल आइलैंड, आइलैंड सेंट्रल से। अब वेरी ये नाइस। क्या बात है तुबा, उस दिन आप वहां पर बैठी थी माई कुलाची पे और निहारी खा रही थी, आज आप सेंट्रल आइलैंड से घूम टोटली के आ अपोजिट। आज आज ये जो बर्गर खा रही है नहीं आज आज मैंने अच्छा पता है क्या किया, उस दिन जो माई कलाची से खाया था ना, उसको आज वहां वॉक करके सब कुछ बायकॉट किया उसका दिस गुड दिस गुड 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 गुड। आज अरे हमारे साथ एक और मेहमान है। यप, अच्छा वेरी गुड। कौन है वो तो मेहमान? वो मेहमान ऑन कार से से अच्छा हाय। यप हेलो अच्छा हेलो हेलो। हाय हाय तुबा, हेलो जी, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम, वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सुनाएं कैसे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा रहा आपका जनाब बाद का जो है सैर सपाटा सेंट्रल आइलैंड का? जी अच्छा, तो लेकिन मैं तो नहीं गया, मत अच्छा आप नहीं गए? जी तुम्बा जी ही गए थे बिल्कुल, अकेले अच्छा अपने अच्छा दोस्तों के साथ। जी अच्छा अच्छा जी अच्छा चलो, अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी आप नाइस। लोग बताएं सब कैसे? सब बड़े हाँ मजे में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम कैसे नजर आ रहे हैं तुमको? लग तो बड़ी माशाल्लाह से क्यूट प्यारी रही हैं आप। आय हाँ हाय प्यारी प्यारी बातें, जी इतनी प्यारी प्यारी, थैंक यू वेरी मच। हाँ और जी बहुत अच्छा लगा कि तुम सेंट्रल आइलैंड से घूमकर भी आई, थकी भी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है ये मौसम ऐसा था कि इसमें थकावट नहीं नहीं, हुई थी। आज तो बहुत अच्छा था, आज तो रियली इतना रियली अच्छा था नाइस। हाँ कि हाँ बहुत नाइस वेदर इट था, वॉज नो नाइस। ये कोल्ड बताओ, नथिंग। डिड यू गो ऑन फेरी एज वेल? या फेरी तो अच्छा गए थे हम लोग, शुरू तो हुआ वापसी उसपे ही कितना मैंने। रश था? हाँ फेरी नहीं था, बहुत कम था, उन लोगों ने लिमिटेड लोग लोग रखे थे रखे उस हिसाब हैं से। राइट या राइट। हाँ, और लाइक मास्क भी था उधर, लाइक अलाउड हाँ मास्क था लाइन हाँ में भी और फेरी में भी। फिर अच्छा वापसी हम लोगों ने टैक्सी की थी वगैरह ओके ओके अच्छा ओके। उन्होंने एक साइड पे छोड़ दिया आपको? उन्होंने एक साइड पे छोड़ दिया, लेकिन वापसी का ही टिकट था, वो $850 का है, अच्छा जो बड़ी वाली है बोट ना, उसके हाँ 850 फेरी की है, हाँ ले वो उसमें जाते भी वापस भी आ जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने फिर टैक्सी की थी, क्योंकि हम लोग को व्यू चाहिए था वापसी डाउनटाउन का। राइट राइट राइट। ओहो, ओ मजे मजेदार, कर रहे हो वाह क्या माशाल्लाह, बात है क्या बात है। हमेशा हमेशा ऐसे खुश ही रहें, खुश आबाद रहो, रहें, आबाद एंजॉय रहो करें, और यू मजे नो। करते रहो। आमीन आमीन। हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई भी बोट पर थी, वो सलमान आरिफ ने किया था ना बोट टूर वाला हाँ टाइम। राइट राइट एग्जैक्टली नहीं हम उससे पहले भी एग्जैक्टली। मिले थे, हाँ तुम मिले भूल थे गई। उससे पहले नहीं मिले थे, मिले वहीं पर थे, फिर उसके बाद आपसे मैं मिलती रही थी अच्छा, लेकिन मैं आपको देखती थी मैंने देखा था ओके पहले भी आपको, बहुत देखा था। और जब ओके हाँ, और जब मिली तो फिर ऐसी मिली ना, बस मिलती रहना आप। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे हम लोगों को इंशाल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा सुमा आमीन आमीन आमीन। राइट अच्छा पता है क्या, मैं बिल्कुल ना खुद प्रोग्राम को ना सोच रही थी कि टाइम वाइंड हमारा अप हो कर गया। रहे थे। हाँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कॉल है, मुझे लग रहा है मैंने प्रोग्राम अभी शुरू तो भाई किया ये तो मजा है, हमारा अपना स्टूडियो है, हम बैठे हुए आराम से अपने घर अपने स्टूडियो में। हाँ
क्या बात है। बहुत अच्छा भाई, अब तो लगा। माशाल्लाह से खुल भी जाएगा सब कुछ, 30 जून से सब कुछ ओपन भी हो रहा है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, सो लेकिन यू आर फिर फुली भी वैक्सीनेटेड तुबा? फुली तो नहीं, वन वैक्सीनेटेड। अच्छा, हाँ हाँ जी, बस जल्दी इंशाल्लाह से कर वो हो लो। जाएगी फुली भी। हाँ इंशाल्लाह जल्दी से कर इंशाल्लाह, लो, क्योंकि इंशाल्लाह सब क्योंकि कुछ। 28% फुली वैक्सीनेटेड हाँ नाउ। हाँ तो अब हाँ कहाँ का हाँ ट्रिप, कहाँ जाना है अगले सैटरडे को जब तुम कॉल करोगे हमें टी टॉक में, तो हाँ तुम कहाँ होगी? बस सैटरडे तो परसों ही है, वही तो हाँ कह तो रहा हूँ। मैं, हाँ तो फिर तो मैं आपको पिकनिक से कॉल करूंगी। अच्छा, जरूर करना जरूर हाँ करना, जी ठीक है ना? इंशाल्लाह। हाँ हाँ जी और जरा सा बिल्कुल नक्शा बिल्कुल खींच देना कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे। बिल्कुल बताएंगे जी। डाउनटाउन में तो आज बड़ा रश था, सेंट्रल आइलैंड में भी बहुत अच्छा था, ठंडी हवा नहीं थी, हवा बहुत बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हवा थी बहुत आज। अच्छी, देखा बहुत ना सब जॉयफुल, मौसम है। क्योंकि मैं आउटडोर रूम में जॉगिंग पे जाता हूँ, और मैं आज जो जॉगिंग पे गया तो आई रियली एंजॉयड, एंड आई डिड सम रियली एक्स्ट्रा, एंजॉयड। आई डिड सम एक्स्ट्रा जॉगिंग टू। यूजुअली आई डू माय 5K, बट आई डिड टुडे अ लिटिल बिट मोर। और शैला जी भी आज बिजी थी माशाल्लाह। यस्टरडे मैं एक पार्टी हो गई थी टोरंटो डाउनटाउन में, वो उन लोगों ने बहुत अच्छा कलरफुल बनाया है, अच्छा तो वो भी बहुत अच्छा था। उसका एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा। कौन सीएन सा टावर का पार्टी? व्यू है, ओके ग्रेट अच्छा ग्रेट वाह, ग्रेट। रिंस व्यू अच्छा है अच्छा उसका, और अच्छा इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव, जस्ट आप ऑनलाइन बुकिंग करें उसकी, अच्छा तो आप ऑर्डर करें। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई के हाँ बहुत चार्जेबल है, सही। तो रिंस व्यू उसका नाम है। लेकिन अच्छा लगा वहां पे ना, क्योंकि फुल पेंटेड है फ्लोर भी, और उसकी वॉल्स भी, और स्क्रीन भी लगाई हुई उन्होंने। वंडरफुल अरे वाह, वंडरफुल बस वंडरफुल, अब इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो फिर जरूर कंफर्मेशन तुमसे लेंगे, सारा एड्रेस भी लेंगे, सब कुछ हाँ जी करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल है ना? बल्कि कभी साथ हाँ में जा जी सकते हैं। हाँ साथ हाँ, में रखते हैं, बहुत दिन हो गए और मिले हुए बिल्कुल इंशाल्लाह दुआ साथ में करें कि हमारे रखते। इवेंट्स खुल जाएंगे, और अभी लुमना अरे वाकई साहब हाँ, रखेंगे मैं ये हमारे साथ। पूछना था, मैंने बकरीद का कुछ हम लोग के मेला लगेगा कि नहीं कोशिश है, बकरीद हैं? तक? हाँ बकरीद तो नेक्स्ट मंथ है ना, हाँ तो कोशिश है, अगर अभी हुकूमत ने इजाजत देखें दी क्या, तो। अगर सिटी इजाजत देगी तो बुकिंग तो व्हाई हमारी नॉट। है, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ कहा कि जी 15% आओ या 20% आओ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। और उसमें आई मीन जी, हमारे तो आपको पता है वेंडर्स ही कितने होते हैं, हाँ तो ये तो वी है। कैन नॉट रियली, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड वी आर रियली इन टच हाँ, अगर विद। हम लोग जस्ट सिर्फ चांद रात पे ही रख लें ऐसे ही फन नहीं, वो है। मसला ये था कि SOPs एंड परसेंटेज, वो ओ बेसिक अभी दो तो चीजें। देखे ना आप, सिर्फ 25% जो है ना वो लुबना अब वारसी कह रही है शायद कि डू इट आउटसाइड प्लीज। हाँ तो शैला जी, हम और लोग ये भी तो कर सकते हैं, वो जो हमारी पार्किंग लॉट है पूरी, जहाँ आप करते हो अंदर हाँ इनसाइड पे, वो पूरी हाँ पार्किंग लॉट हम लोग वो भी तो आउटसाइड कर सकते हैं यूज। हाँ अच्छी इंशाल्लाह अच्छी बात है, अच्छी एडवाइस देखते है। हैं कि क्या लेट्स, क्योंकि वेदर होता है उस सिटी दिन ना। क्या अलाउ करता है हमें वो देखना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन देखो तो हमारे पास इतने लोग आ जाते हैं, उनको संभालना इनके बस की बात नहीं वो है। तो आने ही है, वो अब तो आने वो तो ही ऐसे पीस का ख्याल है रखना है ना हम इंशाल्लाह सबको। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह ना हो ट्राई सका करेंगे, तो आप ट्राई लोग करेंगे। इंशाल्लाह चाहे वो एक दिन का ही हो, वी विल तो एक दिन का हो इंशाल्लाह, लेकिन ट्राई करिएगा, हम लोग को जरूर, खुशी होगी। आप जैसे लोग हमारे साथ हैं तो हमें क्या फिक्र है, हाँ और आप ही लोगों की हिफाजत इंशाल्लाह के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखभाल के करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी ताला। बिल्कुल अच्छा अब सैटरडे को आना है तुमने? हाँ ओ जी इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, है लुबना वारसी ना? कह रही है कि लेट्स अरेंज पिकनिक विद टीम ऑफ टू। ये भी जबरदस्त, इंशाल्लाह लुबना वारसी जो है, ये भी आप ही की तरह बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी शख्सियत है इनकी। हम भरपूर साथ देती है हमारा हमारे इवेंट्स में ये, हाँ और ऐसा करते तो हैं। इनका सही, अभी टेक्स्ट चल रहा है हमारे साथ, और आप भी हमारे साथ हैं, तो ये कह रही भाई टीम ऑफ ठीक टू के है साथ पिकनिक हो जाए इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। करते हैं, कुछ करते हैं। इंशाल्लाह दिमाग दिमाग इंशाल्लाह अपना जो है ना चलाते हैं उस तरफ कुछ हम, राइट। और क्या चलाएं, बहुत जंग लग गया हम लोगों के दिमागों हम लोगों के दिमागों पे कभी जंग नहीं लगेगा नहीं लगेगा, मेरे तो तभी खुलेगा जब सब चीजें खुलेंगी ये क्या कहते हैं, रस प्रूफ है ये दिमाग क्या बात है लुमदवासी क्या कह रही है बात है इंशाल्लाह 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 जरूर इंशाल्लाह जरूर। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और कभी कभी गुनगुना भी दिया करो। हाँ तो मूड है? ओके ओह ग्रेट, हाँ भाई मेरे कहने की जरूरत ओके नहीं पड़नी चाहिए।
कौन सा वाला सुनाऊं मैं? जो तुम्हें जो इस वक्त जो तुम्हारे जहन में आ रहा है। जो भी जो ओके भी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए जाए, तुम देना साथ साथ मेरा, मेरा। ओ हाँ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वाह क्या बात है। देखिए हमारे जो व्यूवर्स हैं लुबना वारसी कह रहे हैं जबरदस्त वाह मजा आ जबरदस्त गया मेरे होगा साथियों जबरदस्त। को। कितना सराहते हैं पता क्या लुबना। होता है, तुबा की आवाज आती है ना तो मुझे लगता है आप बस लुबना ने गुनगुनाना शायरी गाने सुना वाले दी, हैं। तुबा ने हमें गुनगुना दिया। अल्लाह इतना बड़ा थम आ रहा माशाल्लाह है देखें। थम्बारा तुम्हारे लिए जबरदस्त का। सो नाइस सो नाइस सो थैंक यू तुबा, अप्रिशिएबल। थैंक थैंक यू सो मच, यू सो थैंक यू सो मच। मच। मुझे भी बहुत मजा आया बात करके, फ्रेश हो गई, मैं ना थकी भी आई थी थोड़ी सी, फ्रेश आए हो गई। फ्रेश हो गई ना। वी लव यू ऑफ ऑल। सो नाइस ऑफ यू सो कोर्स। नाइस ऑफ यू। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। एंड वी लव थैंक यू। यू सो वेरी मच। या आई लव यू टू जी। थैंक यू ओके सो जी, मच। थैंक यू। अल्लाह ओके जी, ग्रेट अल्लाह ग्रेट हाफिज, अल्लाह अल्लाह। हाफिज। क्या बात है। आज दिल नहीं चाह रहा स्टूडियो से जाने का, लेकिन जाना तो हाँ पड़ेगा ही। हम बात कर रहे थे अपने स्पॉन्सर इंडिया बाजार, फ्रेश पिक का 104075, सॉरी आई एम सॉरी, 104005 कैनेडी रोड नॉर्थ ब्रैम्पटन, सैंडलवुड एंड कैनेडी के इंटरसेक्शन पे। एक लोकेशन इनकी और दूसरी लोकेशन इन टोरंटो, एल्बियन एंड इसलिए इसलिंगटन के इंटरसेक्शन पे। और बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, आपने जब भी जाना है, और वहाँ शो टीम ऑफ टू अहमद एंड शैला जाफरी का जिक्र ज़रूर करना है, उनको खुशी होगी। और वंस अगेन उनका नंबर है 9058400116। केटरिंग का जवाब नहीं है इसलिए मैंने दोबारा नंबर बता दिया आपको। संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म 9057905788। आप इनसे भी रब्ता कीजिए ज़रूर। मोहसिन 121 स्टॉप, RESP, RRSP और लाइफ इंश्योरेंस एंड मॉर्गेज। आप इसके लिए 416-500-6322 पे कॉल करें। मुकरम बुखारी एज ए मॉर्गेज एजेंट, मॉर्गेज ब्रोकर, इनका फ़ोन नंबर है 6476490 एंड 0390। फैशन क्रेज 647, मेन एंड लेडीज वेयर 6477040364। और अहमद और शैला जाफरी, रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू का नंबर रियल एस्टेट के हवाले से 416-704-0651। अथर जाफरी का नंबर रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ 6472089724। और बहुत कुछ, बिल्कुल बहुत मज़ेदार प्रोग्राम था। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जितने लोग भी हमारे साथ शामिल हुए एज ए व्यूअर, एज ए लिसनर, या और जिन्होंने हमें पार्टिसिपेट कॉल किया किया, पार्टिसिपेट किया हमारे साथ कॉल करके, जिसमें हमारे साथ शायरी गुनगुनाना सब लुबना कुछ। वारसी, जिन्होंने अशार से सबको बिल्कुल एंजॉय करवाया, और जनाब हमारी तूबा जो थी उन्होंने गुनगुनाया, क्या बात है। और नीलोफर नसीम साहब फ्रॉम कराची जो रिपोर्टर है शो टीम ऑफ टू की, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और इन सभी भी ने दुआएं दी इन सभी माशाल्लाह। भी और जितने लोग आप सब लोग हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है ना इसलिए मैं इतना ज्यादा नहीं आई बता नो सकती, इट्स बट ओके नो आई वरी नो, आई एम हियर टू पिच इन। बट आई नो द स्क्रीन इज फुल। यस ट्रू वेरी ट्रू तो वेरी ट्रू। बातें तो बहुत सारी थी। अच्छा हम आपको अगर अपने बिजनेस को प्रमोशन करनी है हमारे इवेंट्स में या शो टीम ऑफ टू टी टॉक में, तो आप 6472732393 पे कॉल कीजिए। इंशाल्लाह अहमद और शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपका साथ देंगे। अहमद आपको खुदा हाफिज करना ओके ठीक पड़ेगा, है ठीक है। तभी तो मैं खुदा हाफिज कर चलिए सकती मैं हूँ, खुदाफिज करता हूँ है ना। इस नोट के साथ के जनाब हैव यू डन योर वर्कआउट टुडे? इफ नॉट सो डू सो व्हाई बिकॉज आई सेड सो कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स ऑनेस्टली। देखिए आज कितना अच्छा मौसम था और ये जितने अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं
आउटडोर को खूब इंजॉय करें, ठीक है। और प्लीज़ अपना ख्याल रखें आप लोग, और यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। अहमद इंशाल्लाह जाके हम हमेशा आप लोगों को दुआएं देते रहते हैं कि रब्बुल इज्जत आप लोगों को सेहत इज्जत और खुशियाँ नसीब फरमाए। दूसरी चीज़ है कि एक और रिक्वेस्ट ये करनी है कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो प्लीज़ क्विट स्मोकिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और साथ साथ अब एक ये है कि रियल इस्टेट के बारे में कोई भी मालूमात लेनी है आप लोगों को, खरीदो फरोख के सिलसिले में, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इन्वेस्टमेंट हो, अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, 416-704-0651 विद रीमैक्स रियल इस्टेट सेंटर विद अ ग्रेटर टीम, आर्थर जाफरी 647-208-9724, यंग, एनर्जेटिक, नॉलेजेबल एंड वेल एजुकेटेड, ठीक है जनाब, वेल एक्सपीरियंस्ड। तो वंस अगेन अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, 416-704-0651। कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू एवरी थर्सडे एंड सैटरडे, थर्सडेज को 10:30 PM ईस्टर्न टाइम, सैटरडेज 11 AM ईस्टर्न टाइम, रिमेंबर। सो अहमद इंशाल्लाह जाफरी, अब आपको खुदा हाफिज़ करते हैं, सबसे पहले मैं करता हूँ, अल्लाह हाफिज़ नासिर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह भी आप लोगों को सेहत इज्जत खुशियाँ नसीब फरमाए, दिली मुरादें ख्वाहिशात नेक तमन्नाएं पूरी करें, अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, मुझे भी खुदा हाफिज़ करना ही पड़ेगा, जाने से पहले बता दूं कि मौसम कल भी बहुत अच्छा है, यानी कि आपके मॉर्निंग में 23 एंड आफ्टरनून अगेन 28 और मोस्टली क्लाउडी, लेकिन शाम को और रात को रेन है और कहा यह जा रहा है कि काफ़ी लंबी रेन होगी, तो बहरहाल रेन भी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश रहती हूँ जब रेनी वेदर होता है, क्योंकि मेरे तमाम प्लांट्स एकदम से स्ट्रेच हो जाते हैं, फ्लावर्स एकदम से ब्लूम हो जाते हैं, तो मुझे तो रेनी वेदर बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, और वंस अगेन आप सब लोगों का शुक्रिया जितने लोगों ने भी आज हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, शो टीम ऑफ टू टी टॉक में चाय पे हमने आपको बुलाया था, और चाय पे बड़ी मज़े मज़े की बातें, और बहुत सारे मेहमान भी आए हमारे इस चाय पर, चाय के इनविटेशन पर, और इंशाल्लाह इसी तरह से अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे, चाहे वो शो टीम ऑफ टू हो या हमारे इवेंट हो, एंड मोस्ट ऑफ ऑल रियल इस्टेट बिजनेस जो कि हमारा है, यही प्रोफेशन है। याद रखिए अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू को 416-704-0651 पे अपना ख्याल रखें, एंड वी लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज। बाइंग अ हाउस और सेलिंग अ हाउस द टीम